गुड मॉर्निंग सर। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी लिखा देखा होगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये सिर्फ सेफ्टी में काम नहीं आता है, ये फायर में, सेफ्टी में, हमारी लाइफ में, हर जगह किसी तरीके की नौकरी करो ये तो हर जगह ज़रूरी है। हर जगह का मतलब बताऊँ, आप अगर अपने घर में यूज करने के लिए मिक्सी या जो वो प्रेस करने के लिए प्रेस लेके आओगे ना, उसके पास एक कागज़ होता है, उसके अंदर वो कागज निकाल के देखना, एक पेज पे स्पेशल उस पर भी लिखा होगा सेफ्टी टिप्स फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। रई लेके आओगे ना घर के लिए, उसमें भी लिखा होगा। कुछ भी लेके आओगे बिजली का सामान घर का भी, उसमें भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के 5-7 पॉइंट लिखे मिलेंगे तुम्हें। इतनी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, लेकिन उसको मेरे ख्याल से तुमने आज तक किसी ने भी खोल के पढ़ा नहीं है, पक्की बोल रहा हूँ मैं। अब आगे ध्यान देना, कोई एक आध पॉइंट जरूर ऐसा मिलेगा जो शायद मेरे से भी चूक हो सकती है, उसमें लिखा मिलेगा। घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल सामान नया आए, उसके अंदर वो आएगी साथ में एक बुकलेट सी, निकाल के देखना, गारंटी से बोल रहा हूँ। यहाँ तक कि मोबाइल भी लेते हो ना, उसमें भी सेफ्टी की टिप्स लिखी मिलेगी कि मोबाइल से सेफ्टी कैसे रखनी है, वो भी बताएंगे। चार्जर लगे हुए बात नहीं करना, कभी ऐसे काम नहीं करना, इलेक्ट्रिकल के पास जाके बात नहीं करना, उसमें भी लिखे होंगे। और इससे ज़्यादा क्या आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो आज ये क्लियर करते हैं। एक दिन में नहीं होगा, इसकी भी 4 पार्ट बनेंगे भाई, इसकी 3-4 क्लास चलेंगे आगे लगातार। तो आज सिर्फ बेसिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बिजली का नाम आते ही, इलेक्ट्रिकल का नाम आते ही, सबसे पहला ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए। एसी करंट क्या होता है और डीसी करंट क्या होता है, इसमें कन्फ्यूजन होती है ना। कुछ लड़कों को तो क्लियर होता है, आईटीआई वगैरह जो किए उनको भी क्लियर होता है, बट जनरली हम आम इंसान जो होते हैं, अपने काम से काम जिनको होता है, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना इसका पता होता। लेकिन कोई भी किसी भी बिजली के इक्विपमेंट्स की वायर निकाल के देखो, आप इक्विपमेंट्स को उठा के देखो, उसके पीछे बैक साइड में लिखा होता है या एसी या तो डीसी, वो क्या फ़र्क है दोनों में। आईटीआई की तरह या स्पेशल इलेक्ट्रिकल की क्लास तो है नहीं जो इस पे ही आधा घंटा 1.5 घंटा ख़राब करूँ मैं तो सिर्फ एक एक लाइन का बताऊँगा दोनों, बाकी तुम खुद पढ़ लो कहीं से भी। व्हाट इज एसी करंट? एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है? ये जो चल रहा है ना, जिसे पंखा चल रहा है अभी, बिजली ये जल रही है, ये है अल्टरनेटिव करंट, लाइव करंट, ठीक है। डीसी होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट एक जगह से प्रोड्यूस होकर डायरेक्ट लाइन में आके काम करता है, बैटरी वाला। अगर उसको इन्वर्टर के जरिए वापस फिर पंखा चलाया जाए ना, तो वो डीसी नहीं रहता, क्या हो जाता है? अल्टरनेट हो जाता है। डायरेक्ट तो है कि उधर से बैटरी में तार लगाए, डायरेक्ट जिस चीज में जोड़ेंगे वो चलेगी, उसको चेंज करना ही नहीं है, उसको कहीं बीच में कुछ लगाना ही नहीं पड़ता। लेकिन ये जो बिजली जो चल रही है, आपको लगता है कि जितनी पावर प्लांट से निकली थी डायरेक्ट आके इधर में चल रही है, वो ट्रांसफार्मर होते हैं। डीसी का तो, बैटरी का कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? होता है क्या? गाड़ी में कहीं देखा आपने ट्रांसफार्मर लगा हुआ? सीधे उसी पे होते हैं ना, फर्क समझ गए? नहीं समझे होगे, इतना ही बहुत है जितना समझ गए, बाकी पूरी लाइफ पड़ी है, सीखते रहना भाई। अपने पास इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है उतना लंबा, हमने आगे जाना है, हैं? तो अब इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की बात करते हैं कि वो सुरक्षा, वो सुरक्षित उपाय, वो सुरक्षित किसी को रखने के लिए हमारे द्वारा किए गए कोई भी काम, कोई भी प्रिकॉशंस जो हम बिजली से होने वाले खतरों से बचा पाएं किसी को। कौन सी सेफ्टी? जो बिजली से होने वाले खतरों से बचाएगी। तो बचाएगा कौन? हम ही बचाएंगे। मजदूर को, काम करने वाले को, कारीगर को कोई मतलब नहीं होता, उसको काम से मतलब है, क्योंकि उसको ठेकेदार पैसे तब देगा जब काम करेगा। वो सेफ्टी से करेगा या अनसेफ तरीके से करेगा, उसके ठेकेदार को कोई मतलब नहीं है।
उसके ठेकेदार को कोई मतलब, यहाँ कंपनी को मतलब जरूर है कि गलत तरीके से करेगा, चोट खाएगा मेरा काम बंद हो जाएगा, इसलिए कंपनी ने किए क्या, मेरे को सेफ्टी ऑफिसर बना के वहाँ खड़ा कर दे, तेरे को इतनी तनख्वाह दूंगा, इन लोगों को ना बस दिक्कत मत होने देना, ठीक है। इसलिए मुझे क्या है सीखना पड़ेगा कि उनको दिक्कत होगी तो बचाऊंगा कैसे, या होने से पहले दिक्कत को रोकूंगा कैसे, वो सीखना पड़ेगा। अब उसी पे आते हैं। हजार्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल वर्क, बिजली पे काम करते टाइम या बिजली से होने वाले खतरे क्या हैं। हजार्स मीन जोखिम। अब जोखिम को हिंदी में नहीं बता सकता क्या होता है, जोखिम तो जानते हो। सबसे पहला बताया गया, सब जानते हैं इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है, क्या होता है, करंट लगना बोलते हैं ना, ये एसी का मतलब वही तो है, करंट यही लग जाता है। एसी या डीसी ये करंट के दोनों नाम है ना, तो जब हमें बिजली से झटका लगता है उसको बोलते हैं करंट लग गया, एक्चुअली वो शॉक लग गया है, लेकिन वो शॉक किस चीज का है, करंट का है, किसका है, करंट का। तो अपने देसी लैंग्वेज में लोग क्या कहते हैं कि करंट लग गया, शॉक लग गया नहीं बोलेंगे, बट डॉक्टर कभी करंट लग गया नहीं बोलेगा, डॉक्टर के पास जाओगे ना तो वो बोलेगा क्या हुआ, शॉक लगा, क्योंकि वो जानता है कि क्या है। हम लोगों के लिए करंट मतलब करंट है, हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते उन चीज़ों पे। चलो हम अपनी जो जानते हैं उसी पे बात करते हैं, करंट लगना ठीक है वही पकड़ लेते हैं, बट थोड़ा सा टेक्निकल में आ जाओ बेटा। करंट लगना बोलोगे कहीं पे जाके पढ़े लिखोगे बीच में तो अपन गवार साबित हो जाएंगे, क्या होंगे, इसको पता तो है नहीं कुछ, इसको भी करंट बोल रहा है तो क्या बोलेंगे उधर, कौन सा शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली से लगा हुआ झटका। तो एक तो खतरा यही है। अच्छा ये भी दो तरह का होता है। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, करंट तो करंट होता है, बट मैं बोल रहा हूं कि बिजली से लगा हुआ शॉक जो है इलेक्ट्रिकल शॉक भी दो तरह का होता है, मैं बता भी देता हूं। ये जो है इधर आ जाते हैं, पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट यही हुआ ना, डी आई आर क्या हो गया, अरे मेरे डायरेक्ट की स्पेलिंग की गलत हो रही है, डायरेक्ट ये ठीक है। अब तो डायरेक्ट करंट का मतलब तो ये है कि कोई भी काम करने वाला आदमी लाइव इलेक्ट्रिकल लाइन के संपर्क में आ जाए। अब लाइव इलेक्ट्रिकल लाइन क्या है, सीधा तारों में हाथ जाए, बात को समझो, लाइव क्या है, उसमें बिजली चल रही है ना, लाइव सीधी जा रही है, अब उस नंगी तार पे जाके हाथ लगे तो वो कौन सा करंट हुआ, डायरेक्ट, कौन सा शॉक हुआ, डायरेक्ट शॉक, ठीक है, क्योंकि सीधा जाके लाइन पे टच कर गया ये, तो वो लाइव किसी भी तरह की बिजली लाइन पे टच करने से, उसके कॉन्टैक्ट में आने से जो शॉक लगता है उसको हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक शॉक बोलते हैं, और इनडायरेक्ट में थोड़ा सा फर्क है। डायरेक्ट लाइव लाइन से शॉक नहीं लगता, उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। तो वो कैसे लगता है, वो ऐसी किसी चीज से छूने से या उसके कॉन्टैक्ट में आने से लगता है जिसमें लाइव तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन वो उस इलेक्ट्रिसिटी लाइव से कहीं से ज्वाइंट है, कनेक्ट है, और उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज आ चुका है। जैसे खंभे से गई है, गीला पेड़ है, बारिश के टाइम में उसको टच कर रहा है और हम उस पेड़ को टच करें, डायरेक्ट तो नहीं हुआ, लाइन तो सीधी जा रही है, उसमें अपने को मतलब नहीं है, लेकिन उस लाइन से ये चार्ज हो गया है और इससे हमें करंट लगा है। तो मेन लाइव करंट से शॉक से ये वाला थोड़ा हल्का होता है, हल्का ही होता है ना, लाइव वाले से तो हल्का ही होगा क्योंकि उसका कुछ परसेंट चार्ज है इसमें, सारा नहीं है वो। तो जो हमें डायरेक्ट लाइव लाइन से कॉन्टैक्ट की बजाय
उससे कांटेक्ट में आया हुआ या उससे टच हुआ किसी चीज़ को हम छू लें, करंट लग जाए, तो वो इनडायरेक्ट करंट है। ये तो नहीं पता था ना, मालूम तो था दोनों तरह से लगते हैं लेकिन उनके दो तरह के नाम होते हैं ये नहीं पता है। अभी अब टेक्निकल हो गए हैं हम लोग, है ना, हम कोर्स कर रहे हैं इसलिए हमने उस चीज़ को सीखना है। तो ये शौक समझ गए, पहला खतरा हुआ। दूसरा खतरा आता है आर्किंग। आर्किंग बोलते हैं चमक को, जो वेल्डिंग करते टाइम में निकलती है ना, है उसको आर्किंग बोलते हैं। अब बिजली में वो नहीं निकलती है, निकलती है उसको पता है हम लोग क्या बोलते हैं, स्पार्किंग। क्या बोलते हैं? ये तो सुना होगा, तो उसी लैंग्वेज में पढ़ेंगे जो हमने सुना हुआ है। मैं बिल्कुल किताबी उसमें घुस जाऊंगा तो तुम्हारे दिमाग में वैसे ऊपर जाएगा, पहले ही कम घुसता है दिमाग में। आर्किंग का मतलब चमक पैदा होना एकदम से। तो अब मान लो मैं कहीं तार जोड़ रहा हूँ, भड़ाका नहीं हो जाता है? भड़ाका भी बोलते ना उसको, एकदम भड़ाका। तो एकदम से जो चमक निकलती है उससे हमारी आंखें डैमेज हो जाती हैं, वो भी खतरा है। इसलिए कभी भी लाइव चलती लाइन में कुछ कनेक्ट नहीं करते, वो बाद में आएंगी चीज़ें, अभी तो उतना नहीं पढ़ेंगे। अभी सिर्फ अपने को ये नाम मैं अब सिर्फ क्लियर कर रहा हूँ, इनका मतलब क्या है। शॉक का मतलब क्लियर है, आर्किंग भी ठीक है, लंबाई इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। स्पार्किंग हर जगह होती है, थोड़ी सी स्पार्किंग का फर्क नहीं है, लेकिन कभी चिंगारी लगनी हुई या आँख में लगना हुआ तो वो थोड़ी में भी लग जाएगा। अब किसी इलेक्ट्रिकल पैनल में कुछ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं और वहाँ पे एकदम से कुछ दो फेस आपस में टकरा गए, पड़ाका होएगा। अब उसमें जो एकदम से वो आर्किंग निकलेगी वो नुकसान तो करेगी क्योंकि नेचुरल नहीं है, और हमारी आंखें बड़ी सेंसिटिव होती हैं। एक छोटा सा कोई धूल का कण चला जाए ना, आँख ना ऐसे तिलमिलाती रहती है जब तक निकाल नहीं ले उसको, है ना, रगड़ रगड़ के लाल कर लेते हैं। तो आँख में वैसा कोई जलता हुआ अगर आर्किंग का एक भी कहीं कण चला गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है हमारा। तो ये भी मेन खतरा है इलेक्ट्रिसिटी के काम में। तीसरा आता है बर्न्स। बर्न्स मतलब है ठीक है, जलना। तो आग सॉरी इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते टाइम में जलने का खतरा होता है। लोग जले हुए देखे हैं? कभी देखा है कोई जो बिजली से जला हो? है ना, मैंने भी देखे हैं, साइट पर भी देखे हैं और गांव में भी देखे हैं, जल जाते हैं, शायद जान बच जाए लेकिन एक बार जो शरीर का जो अंग पहले कांटेक्ट में आया है ना वहाँ से तो चमड़ी पूरी वो जल जाएगी, उखड़ जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे आग में दे के बाहर निकाल लिया हो इसको, ए पूरा ऐसे गुंडिया बन जाएंगी, चमड़ेगी वहीं पे। तो जलने का भी तो खतरा है उसमें हमारा। शॉक लगा बट जलने का कई कई बार क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट करंट में हाथ लगे ना लगे लेकिन जलते हैं। इंटरनेट पे देखना बेशक से आप, बहुत सारे फोटो मिलेंगे, मुंह जले हुए नहीं, वो तो डायरेक्ट हाथ लगा था। मैं बोलता हूँ करंट भी नहीं लगता हमें फिर भी जलता है शरीर। ये जो आर्किंग था ना, इस पे मैंने सिर्फ आँखों की बात बताई थी, यही थोड़ा ज़्यादा हुआ ना तो एकदम से वो जो आग निकलेगी ना फूक करके वो आग आएगी, शरीर का जो हिस्सा सामने होगा ना वहीं से चमड़ी जला देगी। जले हुए देखे हैं यार बहुत हमने इलेक्ट्रिकल, हाथ जले हुए, लगा नहीं था करंट में हाथ लेकिन जिस चीज़ पे काम कर रहे थे ना उसमें वो आर्किंग होगी बहुत ज़्यादा एकदम, और वो आर्किंग हुई तो एकदम शाक तो बनेगी ना उसमें, वो आग अपना ये तो चमड़ा है यार, चमड़ा जलने में इतना टाइम कहाँ लेता है। आग के ऊपर से थोड़ा सा ऐसे हाथ निकाल दो तभी इतनी जलती है, कई देर तक तो ठंडे पानी में रखना पड़ता है, और एकदम से ऐसे कोई आग फेंक देगा तो उसी चमड़ी पर वो भी इतनी ज़्यादा जो इलेक्ट्रिकल से पैदा हुई है। तो जलते हैं लोग भाई, इसलिए जलने का भी एक हमारे यहाँ जोखिम होता है इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। क्या है ये? एक्सप्लोजन एंड फायर। अब बिजली की वजह से एक्सप्लोजन का मतलब होता है बूम, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, धमाका, क्या बोलते हैं, धमाका भी होता है और आग भी लगती है। तो ये आपको पता है, कहीं भी किसी भी आग की बाद में न्यूज़ पढ़ लेना उस पर लास्ट में यही लिखा आएगा, इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से आग लगी, फैक्ट्री जल कर रहा हो, लास्ट में इलेक्ट्रिकल शॉक का ही नाम आता है चाहे किसी ने कुछ भी किया हो। तो एक्सप्लोजिव होती है इलेक्ट्रिसिटी, धमाका करती है बम की तरह, बड़ा आम करके फटते हैं जो ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होते हैं ना बड़े बड़े,
किसी हॉस्पिटल का या मॉल का या बहुत बड़ी बिल्डिंग का जो अंडरग्राउंड में उसका जो नीचे बेसमेंट होता है उसमें बहुत बड़े पैनल लगे होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े, इससे तो 2 गुना 3 गुना बड़े हॉल होते हैं, उनमें खाली ऐसे पैनल ही पैनल होते हैं। जब उसके अंदर ये आर्किंग और एकदम से एक्सप्लोजन होगा ना तो फटेगा वो पूरा का पूरा पैनल, फट जाते हैं ये, और फिर वहाँ पे आग भी लगती है। तो जोखिम जो है फटने का भी है, धमाका होने का भी है, और आग लगने का भी जोखिम है, क्योंकि ये तो है ही मेन, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तो बहुत आग लगी है। आग चाहे 50% लगी हो लेकिन 90% में इसी का नाम आता है कि बिजली की वजह से लगी है, क्योंकि अपना कोई कमी निकालना नहीं चाहता ना, वहाँ इस पे थोप देते हैं। अब क्या है, वहाँ जब सब कुछ जल चुका होगा तो कोई ये भी पता नहीं कर सकता कौन सी तार से चिंगारी निकली है, तारों की तो खाल जल चुकी है बेचारी की, वो खाली तांबे के तार लटक रहे हैं एकाधे, अब कैसे कोई चेक करेगा कि इसमें स्पार्क हुआ कि नहीं हुआ। ये एडिशनल है बेटा, जो पांचवा मैंने लिखा है ना, ये खतरा एडिशनल है। एडिशनल समझते हो हैं? मतलब क्या है कि मैन में नहीं आता है। जैसे 4 प्रकार की आग जो होती है उसमें हमने 5वीं इलेक्ट्रिकल की और 6ठी किचन की जो है वो अलग निकाली, वो एडिशनल ही होती हैं। ऐसे ही जो इसके खतरे हैं ना, देखो ये 4 तो हैं मैन बिल्कुल, 5वां है एडिशनल, क्योंकि ये तो होंगे ही होंगे, बट ये कब होगा? फॉल फ्रॉम हाइट, बिजली के संपर्क में आने से कोई आदमी ऊपर से गिरता है, खतरा ही तो है ना। अब कोई खंभे पे चढ़ा होगा और उसको करंट लगा तो क्या होगा, नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा वो? लेकिन ये सिर्फ तब होता है जब कोई हाइट पे चढ़ा हो, हाइट पे नहीं चढ़ा होता तो ये वाले को नहीं मानते हैं हम मेन खतरा। हाँ, हाइट पे चढ़ा है तो उसके खतरों में ये वाला जोड़ देते हैं, ठोकर लग के गिरना, सीढ़ी से गिरना, फटा टूट के गिरना, धक्का लग के गिरने के साथ में इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से भी गिरना, ये एक्स्ट्रा लिख देते हैं जब हाइट वर्क का काम होता है। तो एडिशनल हुआ ना वो, सब लोग तो नहीं हाइट पे चढ़े रहते, ज़मीन पे खड़े खड़े भी करंट लगते हैं, पानी में खड़े हुए भी करंट लगता है, जेसीबी मशीन पे चढ़े हुए भी करंट लग जाता है, कोई बड़ी वाली ऊंची वाली क्रेन से सामान उठा के ले जाते हैं वो तारों में जाके टच कर जाए उसे भी करंट लगता है। तो ये वाला एडिशनल ही हुआ। ओके, ये 5 सिर्फ मेरे को बेसिक आपको इनके बारे में बताना है, नेक्स्ट क्लास इससे 10 मिनट लंबी कर लेंगे, आज के लिए इतना ही बेसिक। ये समझ आ गया? ठीक है, गुड मॉर्निंग। अब ध्यान दो, सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट के लिए, आज ये लंबी दूंगा नहीं मैं क्लास। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में सेकंड पार्ट में कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, कुछ औजार हथियार कुछ उपकरण होते हैं जो हर बिजली के बोर्ड में साथ में लगाए जाते हैं। बिजली डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में भी लगाया जाता है, मेन पैनल में भी लगाया जाता है, और कितने भी बिजली का कहीं भी इलेक्ट्रिकल का कोई पैनल या बोर्ड हो उसके अंदर इनमें से कोई ना कोई एक या दो लगा मिलेगा आपको पक्का 100%। समझे मेरी बात? बहुत ज़रूरी है तीनों। मैं आपको बता भी देता हूँ, तीनों की, सॉरी 4 जो है मैं इन 4ों के फुल फॉर्म बता देता हूँ। पहले तो मैं आपको इन सभी के एक एक करके, ज़रूरी नहीं है मैं काम बता दूँ, ये वही है जो वो गिराते और उठाते हो आप, MC बोलते हो ना, वो पूरा नाम ये है, पूरा उसका ये MC बोलते हैं उसको, क्योंकि मिस्त्री ने लगाते टाइम जो हमारे सामने नाम लिया था वही जानते हैं, उससे ज़्यादा हम कभी जानते नहीं है, जानने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि हमें क्या मतलब, काम कर रहा है ना वो, ठीक, बस उठा दिया चल गया, गिरा दिया बंद हुआ, बस वही चीज़ें अपने को ध्यान होती हैं, ज़्यादा कुछ हम सोचते नहीं हैं। अच्छा, ये चीज़ें इसलिए बनाई गई हैं क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रिकल से होने वाले खतरों से सेफ्टी ज़रूरी है, इसलिए ये उपकरण इक्विपमेंट्स बनाए गए हैं, और ये जो है इलेक्ट्रिकल जो कोड होता है हमारा उसके अकॉर्डिंग, और इलेक्ट्रिकल हमारे जो कंस्ट्रक्शन के या इंडस्ट्री के जो सेफ्टी के नियम होते हैं उनमें बहुत ज़रूरी है कि किसी भी बिजली बोर्ड के साथ ये लगाना चाहिए, नहीं लगाएंगे तो उसको अप्रूव नहीं किया जाएगा, उसको कोई अप्रूव ही नहीं करेगा। एक होता है 5 नंबर NEC, इसका तो सबसे पहले मैं इसलिए बता दूं क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी फुल फॉर्म है
नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, ठीक है। तो हर चीज़ का अपना एक कोड होता है, उस कोड में क्या है, कोड का मतलब क्या, उस कोड के सामने लिखा गया है कि ये कैसा होना चाहिए, कितना कैपेसिटी का होना चाहिए और कहाँ लगाना चाहिए, और ये जो है इसमें किस किस तरीके की सावधानियाँ रखनी चाहिए और कैसा होना चाहिए। ये इसके अंदर हर तरह के बिजली के इक्विपमेंट्स का, यहाँ तक कि जो बिजली की तार अपन खींचते हैं ना, तो मोटर के लिए अलग तरह की वायरिंग होती है, पंखे के लिए अलग तरह की होती है, और मशीन के लिए अलग तरह की होती है, हीटर प्रेस के लिए अलग तरह की, तो हर तरीके का एक कोड होता है अपना इलेक्ट्रिकल के अंदर, वो इसी के अंदर होता है, वो ये तय करते हैं नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। इसके अंदर हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का अपना कोड होता है, इसका नाम याद रखना। अब आते हैं इधर, ये अपने काम की चीज़ है सारी, घर में सबके लगी है इसलिए काम की चीज़ है, सेफ्टी अफसर बनेंगे तो काम की इसलिए है क्योंकि वहाँ वो चेक हमने करवानी पड़ेगी, नहीं लगी होगी तो काम बंद करवाना पड़ेगा, जाके बंद कर भाई, जब तक लगाएगा नहीं मैं काम नहीं करने दूंगा यहाँ पे, कितना नुकसान होता हो, क्योंकि कंपनी का थोड़ा बहुत नुकसान हो गया चलेगा, इंसान का नुकसान हो गया तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं, GFCI, इसकी मैं आपको बताऊँ GFCI का है ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर, ये जो है एक ऐसा औजार, एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो अपने बिजली के जो बोर्ड होते हैं ना उसमें से, ध्यान नहीं दिया होगा शायद अपने, घरों में लगाते नहीं हैं लोग मिस्त्री लोग, लेकिन इंडस्ट्रियल अगर कहीं है, किसी हॉस्पिटल में या कहीं ऐसी जगह जाके देखना बेशक तुम, इंडस्ट्रियल जगह या जो ऑफिशियल जगह कोई हो, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल में भी अगर फ्लैट वगैरह में जाएंगे तो होगा, लेकिन घरों में मिस्त्री नहीं लगाते हैं वो चीज़। इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर से, उसकी बॉडी के बाहर से नट के बोल्ट के अंदर ही एक तार कस के और वो तार को सीधा ज़मीन में लेके जाते हैं, देखा है कहीं, तो ज़मीन में ले जाके एक मोटा सरिया या पाइप गाड़ देते हैं और उससे उसको लगा देते हैं, बांध देते हैं, वो अर्थिंग के लिए होता है। तो अब क्या है, उस अर्थिंग में भी कई बार गड़बड़ होती है, पानी वानी डालते हैं, बिजली चालू होती है तो कई बार करंट पकड़ लेता है, चालू रहता है उसमें, तो वहाँ ये चीज़ लगा लेते हैं। ये बिजली पैनल के और अर्थिंग के बीच में काम करने वाला इक्विपमेंट से इतना सा होता है, इसको लगा देते हैं उसके बीच में। तो ये क्या है, एक बार करंट जो ज़मीन की तरफ चला गया ना, वो वापस नहीं आएगा, आया भी तो अपने को कोई नुकसान नहीं आएगा, ठीक है। ये ग्राउंड में जो ग्राउंडिंग बोलते हैं एक्चुअली उसको, अर्थिंग का मतलब, अर्थ मतलब धरती होता है ना, तो अर्थिंग वही हुआ, तो ग्राउंडिंग मतलब अर्थिंग का मतलब तो धरती पे अटैच करना हुआ, लेकिन ग्राउंडिंग का मतलब उसके अंदर घुसा दिया, अर्थिंग ग्राउंडिंग एक जैसा ही काम होता है दोनों का। तो वो ग्राउंड के अंदर जो हम अर्थिंग डालते हैं, वो एक जो तार ले जाके डालते हैं कि भाई अर्थ लीक हो भी गया तो ज़मीन में चला जाएगा, इस बॉडी में ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, कोई टच करेगा तो उसको करंट नहीं मारेगा। तो उसके बीच में अगर कभी फॉल्ट हो जाए, ग्राउंड वाले सिस्टम के बीच में फॉल्ट हो जाए, तो सर्किट को ये जो है ख़त्म कर देता है, इंटरप्ट कर देता है, उसको परेशान कर, दुखी कर देता है, काट देता है, ख़राब कर देता है, आदमी तक नुकसान नहीं आने देता, ये GFCI होता है। अभी बोलोगे कैसा होता है सर, देखने की जरूरत नहीं है, GFCI जब अपन लगाना चालू करेंगे ना, कहीं पर नौकरी लगी ना कहीं, तो अपने आप पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। दूसरी बात पे आते हैं, ELCB, ये मैन है, ये दोनों घरों में होते हैं हमारे लगे हुए। ELCB घरों में कम लगाते हैं, ये ज़्यादा लगाते हैं, ये इंडस्ट्रियल में सब जगह मिलेगा आपको, और मोस्टली सेफ्टी ऑफिसर यही प्रेफर करते हैं लगाने के लिए। ये है अर्थ लीकेज, ये सर्किट की स्पेलिंग गलत तो नहीं है, ये शायद ये हो, यही है सर्किट की स्पेलिंग, बोलो यार मेरे को ध्यान, कुछ डाउट है। सर्किट क्या होता है, CIR, ये तो नहीं होता, ये ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है, ये हो गया
अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये सबसे मेन चीज है। देखो इसका मतलब समझ जाएंगे अगर हमको इंग्लिश समझ आ गई तो। अर्थ, अर्थिंग, अर्थिंग वही होती है ना जो बॉडी के चारों तरफ, उसमें वो जो तीसरा प्लग मैंने कल बताया था आपको कि प्रेस, रई, मशीन, मोटर, कुछ भी हुआ हमारा, उसमें ये तीन प्लग होते हैं अपन जब भी लगाते हैं। ये फेस का हो गया, ये अर्थिंग का हो गया, ये वाला जो है ना वो यही होता है अर्थ लीकेज के लिए जो होता है। और ये जो तीसरा बटन होता है ना, ये उसकी बॉडी में जाके करंट अटैच होता है, जो चीज जिसके लिए कनेक्शन है ना उसकी बॉडी में ही अटैच होता है, वो अंदर नहीं होता मशीन में कहीं। अंदर तो इन दोनों का ही कनेक्शन होता है, ये फेस हो गया, ये अर्थ हो गया, यानी कि ये लाल ये काला, ये नीला है, न्यूट्रल है वो। ये तब काम करेगा जब जो चीज़ इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसके अगर बॉडी में करंट लीक हो गया। कई बार टीवी वगैरह में करंट, कूलर वूलर में भी हो जाता है ना, वो क्या होता है कई बार किसी वो डायरेक्ट लाइव करंट से कोई चीज़ कनेक्ट हो जाती है हल्की सी, और उसके अंदर ऐसे कुछ एटम्स होते हैं, ऐसी कुछ जो है कण होते हैं जो उस करंट को फैला देते हैं। पानी में फैल जाता है, गीले के अंदर, कपड़े वपड़े में, प्लास्टिक में तो नहीं फैले, कूलर प्लास्टिक के होते हैं, कोई भी बोले तो प्लास्टिक के होते हैं यार, इसमें तो करंट आ ही नहीं सकता। फिर उसमें कई बार हाथ लगाते हैं तो क्यों करंट आता है, तो प्लास्टिक है वो तो फाइबर है, क्योंकि प्लास्टिक बिजली का सुचालक नहीं कुचालक है, उसके अंदर बिजली पास नहीं होती है, लेकिन फिर भी करंट क्यों मारता है, क्योंकि गीला है। क्या है, तो वो करंट उस प्लास्टिक में नहीं है, उस पानी में है जो उसके चारों तरफ लगा हुआ है। तो किसी भी वजह से अगर किसी मशीन पे, इक्विपमेंट्स पे काम करते टाइम में उसका अर्थिंग वाला जो फेस है वो लीक हो जाता है, बॉडी में आ जाता है, तो बॉडी से वो तार कनेक्ट होके सीधा वापस बिजली में जो तीसरा वाला लगा होता है कि वहाँ से कनेक्ट होके वापस इसमें चला जाएगा। समझ गए मेरी बात, वो इसलिए होता है। ये ELC भी बिल्कुल वैसा ही काम करता है, हर पैनल के साथ ही होती है। ये क्या करता है, जब कहीं अर्थ लीकेज होता है, अर्थ लीक होगा या फेस कहीं लीक होगा तो ही करंट मारेगा, हम कहीं टच करेंगे तो जैसे ही कहीं टच करते हैं यानी कि वो बिजली जो है जैसे ही लीक होगी, लीक हुई ना हमने कहीं टच किया तो हमारी तरफ नहीं आ गई तो लीक होगी वो। तो अब पानी का एक पाइप है, जब तक चल रहा है बीच में अगर उसको कहीं से काट दिया गया तो लीक हो जाएगा ना। तो वैसा ही है, वो तार कहीं कटा हुआ था, हमारा टच हो गया तो वो लीक होगी बिजली। तो जैसे ही वहां से लीक होगा ना, ये क्या करेगा, पूरी बिजली को बंद कर देगा, ये ट्रिप कर देगा। उससे क्या हुआ, हमें जो हल्का सा झटका लगा ना उसकी वजह से इसने उधर से पीछे से पूरी बिजली को ट्रिप कर दिया और हमें इसके बाद इलेक्ट्रिकल का कॉन्टैक्ट जो है नहीं मिला, इसलिए हम बच गए। कॉन्टैक्ट जो है बिजली का हमसे कट गया। वरना क्या होता है, एक बार आज कहीं चिपक गया ना, तेज बिजली होगी तो जब तक वो सारा खून हमारा जो है सुखा नहीं देगी ना, शरीर का रंग जब तक पीला ब्लू नहीं हो जाएगा ना नीला, जब तक छोड़ती नहीं है बिजली। ये इसलिए लगाए गए हैं कि अगर कहीं कुछ फॉल्ट हो भी जाए, जरूरी नहीं है आदमी का ही हाथ लगे, कोई और चीज़ भी अगर उस बिजली के कनेक्शन से कहीं टकरा गई। अब मान लेते हैं कि कोई बिजली का कनेक्शन था और वो लाइट देनी थी कहीं पे खुले में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का जब कहीं काम चलता है तो परमानेंट, मैंने आपको पहले बोला कुछ होता ही नहीं है, आज इधर काम हो रहा है रात को, कल को बोले बिजली वाले को भाई यहाँ तो पूरा हो गया, कल वहाँ दो लाइट लगा के जाइए रात को काम चलेगा। अब ये लाइट को यहाँ से उखाड़ के बेचारा वहाँ लगाएगा तो वो कितनी दूर से तो कनेक्शन करके लाया था, गांव में होता है ना उधर से कनेक्शन करके वो खेत वगैरह में लगाते हैं, वो लंबी डोरी लेके जाते हैं फिर वो बल्ब लटकाते हैं। अगर ऐसा कोई टेम्पररी काम है और मान लो उस पे कहीं से कुछ गिर जाए तो गिरते ही वो डोरी, वो तो तार तो कटेगा, तो कटते ही वहाँ पे वो आग लगने की बजाय या वो शॉक लगने की बजाय किसी को, या वो जो है क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लोजन, धमाका होने की बजाय, वो बड़ाका होने की बजाय जो है ना इसके पास तुरंत मैसेज चला जाएगा। इसका काम ही वही है कि कहीं भी तारों में जरा भी चिंगारी हुई ना, ये बड़ा चालू होता है, इसके कान खड़े होते हैं, तो भी तुरंत क्या करेगा, लाइट काट देगा पूरी की पूरी। तो उससे आगे जो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था वहीं के वहीं रुक जाता है। सबसे बड़ा तो जान का नुकसान है भाई, आदमी को अगर करंट लग गया, आदमी कैसे भी टच उससे हो गया बिजली से कहीं भी, तो ये ट्रिप कर देगा, और ये तब तक ऑन नहीं होगा जब तक हम खुद जाके उसको ऑन नहीं करेंगे। तब तक कोई पागल थोड़े हो तारे के पास खड़ा रहेगा, एक बार जिसको करंट लगे वो तो ऐसे ही 10 फुट जाके खड़ा हो गया, ऐसे करेगा, है ना। ये बड़े काम की चीज़ है, इसका नाम याद जरूर रखना।
और हमें यही लगाना पड़ेगा हर जगह, और चेक भी कराना पड़ेगा रेगुलरली, और अपने कागजों में लिखना भी हर जगह पड़ेगा कि ये लगा है कि नहीं लगा है। इसलिए अगर इसका ही पूरा नाम मालूम नहीं है तो फिर हम किसी काम के नहीं है ना। अभी कोई SSC के फॉर्म भरता है और SSC की फुल फॉर्म नहीं मालूम तो उसका फॉर्म भरना भी बेकार है। क्या पेपर देगा जिसको उसका नाम ही नहीं पूरा पता। इसका नाम आप याद रखो। नेक्स्ट पे आते हैं MCCB। ये आप सभी के घर में जो लगा है ये वो है, चाहे पढ़ लेना नाम इसका पूरा। MC बोलते हो ना, यही है। इसका बताता हूँ आपको फुल फॉर्म, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। फर्क कुछ खास नहीं है बेटा दोनों में, काम बिल्कुल सेम वही करते हैं दोनों, बिल्कुल एक जैसा ही काम करते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हल्का सा मैन्युफैक्चरिंग का ही फर्क है, हैवी में वो काम कर जाता है, हल्के में ये काम कर जाता है। समझे मेरी बात। ज़्यादा हैवी बॉडी मशीनरी लगी होती है तो वो यहाँ लगा देते हैं, घर वगैरह में ये फिट होता है। और मोल्डेड केस का क्या मतलब है, केस मतलब कोई भी किसी चीज़ का कवर, वही होता ना। मोबाइल केस का मतलब क्या है, जिसे मोबाइल रखते हैं, और चश्मे का वो जो होता है केस, उसको केस बोलते हैं। तो केस कैसा, मोल्डेड, मोल्ड किया हुआ, मोल्डिंग मशीन में मोल्ड करके बनाया गया स्पेशल केस जो सर्किट को ब्रेक करता है। सर्किट का मतलब क्या है, एक जो बिजली का सर्किट बना हुआ है वो बीच में से अगर कहीं से फॉल्ट हो जाता है तो वो पूरे सर्किट को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, यानी कि करंट को बंद कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो इसके नाम में ही फ़र्क है, ये मोल्डेड केस है, होते तो ये भी मोल्डेड ही है, ऐसा नहीं है। वो तो उसका स्पेशल नाम है अर्थली केस सर्किट ब्रेकर, MCCB का फुल फॉर्म है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। हो सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन में थोड़ी बहुत कम ज़्यादा ऊपर नीचे की हो सकती है, बट बेसिक चीज़ें वही हैं इसकी। अब RCCB आता है, इसमें मेरे को थोड़ा डाउट था, तो रेजिड्यूल, आगे क्या था, करंट। हाँ, करंट सर्किट ब्रेकर, RCCB, MCCB और ELCB, तीनों चीज़ें। और ये भी आप मान के चलो, वो थोड़ा अलग है क्योंकि वो ग्राउंड में लगाया जाता है, जो ग्राउंड का कनेक्शन होता है ना वो उस पर लगाया जाता है, वो अलग है। ये तीनों चीज़ें एक ही काम करती हैं। लेकिन फिर बोलो तीनों का नाम अलग अलग क्यों है, क्योंकि बेटा ये काम के नेचर के अकॉर्डिंग और काम की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह लगाए जाते हैं। कैपेसिटी का क्या मतलब, पूरे बिल्डिंग का लोड अगर एक ही पैनल पे होगा तो थोड़ा हैवी चाहिए है ना। अभी अगर घर का होगा तो ज़्यादा हैवी चाहिए नहीं, चल जाएगा। पूरी फैक्ट्री का अगर कहीं होगा तो, जिसमें कम से कम मशीन वो मोटर भी 50-50 HP की होती हैं, तो वहाँ तो और बड़ा चाहिए हैवी। तो ये आपकी कैपेसिटी और लोड के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं कौन सा कहाँ लगेगा। लेकिन जहाँ हम नौकरी करेंगे ना, किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल पे या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पता है क्या होता है, कि मेन तार आए यहाँ पे और एक पूरा पैनल बना दिया, और यहाँ से फिर चार जगह अलग अलग हमने कनेक्शन दिया, तो वो क्या बन गया, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल बन गया, उसमें ये लगा होगा। तो कहीं से भी कोई बल्ब फ्यूज हो जाए, बल्ब पे पानी पड़ जाए, या किसी तार में पानी चला जाए, या किसी कनेक्शन में पानी चला जाए, तो जैसे ही वहाँ से करंट पैदा होगा ये तुरंत स्ट्रिप कर जाएगा, बिजली बंद कर देगा, अपन को पता चल जाएगा प्रॉब्लम कहाँ है। पहले प्रॉब्लम पता करेंगे फिर इसको उठाएंगे जाके। और ये काम करता है कि नहीं करता इसको पता कैसे चेक करते हैं, चेक हमने करवाना पड़ेगा सेफ्टी वालों ने, बिजली वाले तो लगा के अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे वही है, इलेक्ट्रिकल वाले एक बार लगा के वो नहीं देखेंगे ज़्यादा। कोई बहुत अच्छा आदमी होगा, डेडिकेटेड होगा तो देखता रहेगा बीच बीच में, वरना वो नहीं देखेंगे। हमेशा सेफ्टी ऑफिसर को ही पकड़ना पड़ेगा उसको, बिजली वाले को इधर चेक करा, तेरी MCB काम करती है कि नहीं, तेरी ELCB काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अब चेक कैसे करेंगे, उसके पास जुगाड़ होता है बिजली वाले के पास, वो ट्रिप करा के दिखाएगा। ट्रिप करा के मतलब वो तार का कनेक्शन होता है उसके पास, वो तार के कनेक्शन को किधर भी एक बार टच करवा देगा। अगर उसने ट्रिप किया ओके है, ट्रिप नहीं किया ऐसे ही वो चिंगारियाँ उठा रहा है तो खराब है, उसको चेंज करा उसी टाइम में,
भाई तू पागल है, बंदे को मार देगा यार, किसी को करंट लग भी गया ये तो ट्रिप करेगी ही नहीं, बिजली तो चालू रहेगी। अब मान लेते हैं भाई कहीं पे क्योंकि कंस्ट्रक्शन में है, देखो जहाँ पे कॉलम बीम का छत का काम चल रहा होगा वहाँ पे एक बार कंक्रीट करने के बाद तराई करते हैं, तराई बोलते हैं उसको, अरे पानी डालते रहते हैं जो 4-5 दिन तक कि वो पक जाए, तो पानी डालते रहते हैं तो मतलब पानी तो होता है नीचे जहाँ भी काम चल रहा होता है चारों तरफ, पानी तो होगा ही होगा फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर, थोड़े बहुत पक्का तो होता नहीं है जब तक काम नहीं होता है वो, पर कहीं थोड़ा गड्ढा होता है, कहीं ऊंचा होता है, कहीं ईंट पड़ी होती हैं, कहीं पानी खड़ा होता है, तो कहीं पानी खड़ा हो गया हो मान लो किसी भी कारण से और वहाँ से बिजली की कोई लाइन गई हो और उसमें फॉल्ट हो, तो अगर वो ट्रिप नहीं की तो उस पूरे पानी में तो करंट रहेगा भाई। आदमी हो सकता है क्या पता ईंट वीट ढोई थी उसी में हाथ धोने बैठ जाए, खाना खाने जाना है क्या पता उसमें हाथ धोने के लिए बैठ भी जाए, है या उसने चप्पल पहनी हुई थी वो उसके अंदर से निकल के कुछ सामान उठाने ले जाए, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसके पैर रखने से वो भाग नहीं पाएगा, भागेगा तो दूसरा पैर भी पानी में ही जाएगा, भागेगा कहाँ, ऊपर से वो पीछे ट्रिप नहीं कर पा रहा है, करंट लाइव हो गया नहीं तो बचना मुश्किल हो जाएगा। तो इनकी अहमियत समझ में आई क्या होती है, तो कमर्शियल लेवल पे या अपने घर में भी अगर कहीं किसी, देखो ये बहुत महंगा नहीं आता भाई, 1000 रुपये का नहीं आता, वो मेरे ख्याल से 200-250 रुपये से शुरू हो जाते हैं, तो अगर किसी के घर में भी नहीं है ना इसको लगवा लो, अभी बता रहा हूँ मैं, कोई बड़ा काम नहीं है, बिजली वाला आएगा 200 रुपये लगाने के ले लेगा, 200-300 का आ जाएगा लगा देगा यार वो। हमारा फायदा ये है क्योंकि गांव में एक नहीं बहुत सारे केस हैं, किसी के गांव में मेरे ख्याल से जाकर बड्डा से पूछ लो बेशक से करंट से कितने आदमी मरे होंगे, है ना, भैंस वैंस को सुबह चारा डालने जाते वो या फिर शैनी काटने के लिए चाकी वगैरह चलाने के लिए जाते हैं, उसमें बॉडी अर्थिंग लगी होती है उनको पता नहीं होता, वो जैसे तार लगाते हैं उसको हाथ लगाते ही करंट, और वो इतना तेज होता है ये हो तो चलो करंट लगेगा तो तुरंत ट्रिप कर जाएगा एकदम, उत्तरी क्या हुआ ठीक है, लेकिन अगर वो कंटिन्यू हुआ तो वो उत्तरी करने का टाइम नहीं मिलेगा। सो ये पर्सनली या प्रोफेशनली, अब काम पे जाओ कमर्शियल या रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल मतलब जहाँ हम रहते हैं, कमर्शियल मतलब जहाँ काम होता है, दोनों जगह में जरूरी होती है, वहाँ ये लगती है घर में ये लगा दो काम तो करेगी, और ये पक्का तुरंत अगर कहीं भी फॉल्ट हुआ या हमसे गलती से तार बिड़ गए तो ये जो है उसी टाइम तुरंत पीछे से ट्रिप कर देगी पूरी लाइट को, खत्म बंद, ये बड़ा अच्छा काम है, इसकी अहमियत समझ लो कि आदमी अगर मरता भी होगा तो मरने नहीं देगा, अगर काम कर रहा है तो, खराब हो गया और घर में भी है किसी के या कहीं पे खराब वगैरह कोई बात नहीं होना, आज तक तो कुछ नहीं हुआ अब क्या दिक्कत हो जाएगी, लगे रहने दे फिर कभी देखेंगे, फिर कभी का मतलब क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं, एक्सीडेंट कभी बता के नहीं आता, बुरा वक्त कभी अलार्म बजा के नहीं आता, इसीलिए जो सेफ्टी की चीज़ें हैं वो हमेशा चालू हालत में होनी चाहिए हमेशा। तो ये इतना ही काफ़ी है आज का ओवर आज की क्लास, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसका तीसरा और लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, हाँ अरे पार्ट 3 बोला था इसने, बी लिख दिया, बी नहीं होता कोई, लास्ट पार्ट है और इसके बाद बिजली के बारे में जो भी सेफ प्रिकॉशंस या जो भी आपके माइंड में है सब क्लियर हो जाएंगे, और थोड़ा बहुत तो खुद ही सोचना पड़ेगा, सारा का सारा तो हम यहाँ नहीं पढ़ा सकते, बाकी तो लाइव जाके ही आपको जो है उस चीज़ को एक्सपोज करना पड़ेगा। पहले हैजार्ड्स इसके आपको क्लियर करूँगा, इससे पहले 5-4 हज़ार आए थे ना वो मेन एलिमेंट थे, अभी उसके अंदर की चीज़ें सारी निकाल के मैंने लिख दी है यहाँ खोज के, इसके ऊपर कोई हैजार्ड नहीं होता है इलेक्ट्रिकल के अंदर, मोस्टली मान लो कि 99% यही है, एक आध है पता थोड़े चलता है, नई नई चीज़ें डेली हो जाती हैं भाई, वो भी सकता है कोई नया, लेकिन इन्हीं में से कोई ना कोई कारण होगा वो जो इलेक्ट्रिकल की वजह से जो भी प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद फिर अगर आप चाहें तो हम इनके सोल्यूशन भी निकाल लेंगे कि उनसे बचने के लिए करना क्या चाहिए, शुरू करें ठीक है। हैजार्ड्स में सबसे पहला पढ़ के बताएंगे, इम्प्रॉपर
ग्राउंडिंग, इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है हमने। इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग का क्या मतलब है? वो जो अर्थिंग बोलते हैं ना, जमीन से जो कनेक्शन देते हैं हम, किसी भी बिजली बोर्ड का, पैनल का, या किसी बिजली के बड़ी मशीन इक्विपमेंट्स को एक ग्राउंडिंग का कनेक्शन देना जरूरी होता है। तो ग्राउंडिंग अगर प्रॉपर नहीं होगी और उस मशीन में, इक्विपमेंट्स में या उस बोर्ड में करंट अगर पास हुआ, लीक हुआ, तो वो हमें नुकसान करेगा। क्यों? ग्राउंडिंग नहीं की थी तो वो करंट ना जमीन में जाने की बजाय उधर ही घूम रहा है। हम जाके उसको जैसे टच करेंगे वो हमें नुकसान करेगा। इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग यानी कि ग्राउंडिंग गलत तरीके से करना, या उसको मेंटेन ना करना, खराब हो गया है उसको ना देखना या नहीं करना, ये सभी खतरनाक होते हैं। ये एक खतरा होता है हमारे लिए। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं। अभी खतरे की बात करते हैं, पहले सोल्यूशन बाद में करेंगे, वरना वो खिचड़ी बन जाएगी फिर साथ के साथ करेंगे तो। डैमेज इंसुलेशन, डैमेज तो समझते हैं आप, डैमेज का मतलब खराब, त्रुटि पूर्ण, त्रुटि तो समझते हो ना हिंदी में, शुद्ध हिंदी तो नहीं होगी ज़्यादा, त्रुटि बोलते हैं, कुछ कमी हो गई हो किसी चीज़ में, खराब हो गया। इंसुलेशन का मतलब जान, जब कहीं कनेक्शन करना होता है तो वो टेप लगा के जो हम लोग उसको ढकते हैं ना, इंसुलेट करते हैं, वही इंसुलेशन होता है। या फिर जो नई तार बिजली की वायर आती हैं उसके ऊपर जो वो रबड़ का वो मिक्स जो खोल चढ़ा हुआ होता है वो इंसुलेशन ही होता है। तो वो डैमेज हो गया हो भाई, करंट कब मारेगी कोई भी तार बिजली की? जब वो कट गई होगी, कट गई तो यही हुआ ना उसका मतलब, वो इंसुलेशन जो उस पर थी वो डैमेज हो गई है। इट इज़ अ हैजार्ड और नॉट है? ठीक है। एक्सपोज इलेक्ट्रिक पार्ट, एक्सपोज का मतलब होता है खुला पड़ा है, ओपन एकदम, इलेक्ट्रिक बिजली पार्ट सामान, बिजली का कोई भी सामान या बिजली की मशीन या किसी तरीके का इक्विपमेंट्स का इलेक्ट्रिकल पार्ट जो है वो खुला। अब जैसे ये चार्जर है, इसका ऊपर का कवर हटा गए हम, वैसे लगा रखा हो, ठीक है। मोटर का वो होता है अपना पूरा, क्या बोलते हैं उसको, वो बॉक्स होता है ना, इलेक्ट्रिकल बॉक्स, अब वो तो टूट कर पता नहीं कहाँ चला गया और हमने वो प्लास से कस कर ऐसे नंगा छोड़ रखा है, एक्सपोज इलेक्ट्रिक पार्ट। आगे ना समझ, बिजली का कोई भी पार्ट जो नंगा पड़ा है, खुला पड़ा है, वो एक बहुत बड़ा हजार्ड है। समझ में आ रही है चीज़ें? डाउट रहे तो पूछ लेना है, बार बार नहीं होती हैं ये सब। चार नंबर पे क्या है? ओवरलोड सर्किट। ओवरलोड से समझ गए होगे? सर्किट मतलब कोई भी ऐसा कनेक्शन लगाया जाए जिसका 240 वोल्ट से ऊपर की औकात नहीं है और हमने उस पर मशीन लगा दी 10 HP की, गर्म होगी कि नहीं होगी वो? क्यों? बिकॉज ऑफ दैट ओवरलोड। अब ओवरलोड होगा तो गर्म तो होना ही है भाई। फिर उसने अब पतली तार है, मान लिया जो हम स्पीकर वगैरह नहीं कनेक्ट कर लेते हैं, बिल्कुल पतली आती है, 5 रुपये मीटर में आ जाती होगी, 2 रुपये मीटर आ जाती है शायद वो। अब उससे अगर हम ड्रिल मशीन चलाएंगे तो वो ओवरलोड में आएगी ना। तो वैसे ही ये जो सर्किट हमारे होते हैं, किसी भी सर्किट में उसकी वैल्यू से, औकात से, एम्पियर से, वोल्ट से ज़्यादा लोड डालना ओवरलोड सर्किट बन जाता है। और ओवरलोड सर्किट एक तरह का हजार्ड ही है ना भाई, वो तो फिर कहीं ना पीछे से जलेगी जलेगी, वो गर्म होके पिघल जाएगा उसके ऊपर का वो इंसुलेशन सारा। ठीक है, 5 नंबर पे आते हैं। इंडिक्वेट, इंडिक्वेट शायद नहीं समझते हो, वायरिंग इंडिक्वेट मतलब, इंडिक्वेट वायरिंग का मतलब वही हुआ कि आपकी जो वायरिंग है वो जैसी होनी चाहिए, जितने तरीके की जो मैंने अभी आपको बताया, देखो पीछे से हमने पतली लगा रखी, आगे कनेक्शन भारी कर रखा है ना, तो ये वही वायरिंग होगी ना। और एक ऐसा हो गया नकली डुप्लीकेट हम कहीं से लेके आ गए हैं और काम उससे कर रहे हैं हम, हैवी वाला,
तो जो वायर होती है ना, देखना कभी ध्यान से, उस पे कंपनी के नाम के साथ में एक लंबी लाइन होती है, काले रंग में लिखी होती है, उसमें सारी डिटेल होती है, कौन सी कंपनी की है, मैन्युफैक्चर की है, कितनी इसकी लास्ट वैल्यू है, कितना एम्पियर है और कितना वोल्ट है, ये भी दोनों में अलग अलग लिखा होता है। तो वो देखना बड़ा जरूरी है किसकी औकात कितनी है। भाई मैं ऐसे ही तो नहीं इसको चालू कर रहा हूँ, होते ना कुछ वायर तो ऐसी होती है, ऐसे मोड़ो उसको बिल्कुल रबड़ जैसी होती है, कुछ ऐसी होती है मोड़ने से भी नहीं मुड़ती है। तो वायरिंग इंटीग्रेट मतलब ऐसी तरीके की वायरिंग जो हमने यूज तो की है लेकिन वो काफ़ी नहीं है, जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए वो गलत है, या तो कम है या हल्की है, समझ रहे हैं ना अभी चीज़ें। तो वो ऐसी वायरिंग भी हैजार्ड होती है। अब आते हैं हम 6 नंबर पे, वेट कंडीशन। वेट मतलब गीला, भीगा हुआ। कंडीशन मतलब ऐसी स्थिति पैदा है जहाँ पे गीला है, तो ये तो डेफिनेटली एक हैजार्ड है भाई। बिजली का काम कर रहे हैं वहाँ मेरे ज़्यादा जूते गीले हैं, या जहाँ मैं खड़ा हूँ वो जगह गीली है, या फिर जहाँ हमने पैनल लगाया है वहाँ गीला ही रहता है, उसी के ऊपर कोई पानी की टंकी है वो छत में से रिश्ता रहता है। तो वेट कंडीशन पैदा होना किसी भी तरीके के इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए हैजार्ड होता है, गलत होता है। इसको तो नहीं लंबा समझाना, आपके हाथ भी गीले होंगे और हम किसी भी बिजली के कनेक्शन को छुएंगे देन डेफिनेटली वो शॉक करेगा, ठीक है। 7 नंबर, ओवरहेड पाइपलाइन। ओवर का मतलब ऊपर, हेड मतलब सर, पावर लाइन मतलब बिजली की पावर लाइन। तो हमारे सर के ऊपर से जो पावर लाइन जाती हैं उनका अगर ध्यान रखे बिना काम करेंगे तो नुकसान होते हैं। शायद कभी पता नहीं न्यूज़ में आपने सुना हो, क्रेन बिजली के ओवरहेड लाइन में टकराई और उसकी वजह से चालक और परिचालक साथ में गंभीर रूप से घायल, या बिजली की चपेट में आने से मौत है, तो कुछ सुना है कभी? नहीं सुना तो देख लेना इंटरनेट निकाल के, बहुत सारे मिलेंगे। लग गई होगी तो समझ गए इस चीज़ को, ज़्यादा नहीं लंबा टाइम लगाएंगे अपन। ओवरहेड पाइपलाइन, हमारे सर के ऊपर से पावर लाइन जो भी जाती हैं वो हमें ध्यान में रखनी होती हैं कि हम पेड़ काट रहे हैं उस पे जाके टच ना हो जाए, हम कोई सामान उठा रहे हैं हमारी क्रेन टच ना हो जाए, मैं लकड़ियाँ वकड़ियाँ लंबे बांस के डंडे कुछ भी उठा के लेके जा रहा हूँ वो गीले हैं वो वहाँ पे टच ना हो जाए, या गीले नहीं भी हैं वो उस पे टच होए तार आपस में भिड़ेंगे तो कहीं ना कहीं स्पार्क होगा, शॉक होगा, हमारी फसल होगी खेत में वो भी जल सकती है स्पार्क होने से। एवरीथिंग इज हैजार्ड्स, ठीक है। वो भी हो गया, लास्ट क्या बचता है? डैमेज टूल्स एंड इक्विपमेंट। डैमेज टूल और इक्विपमेंट तो समझ ही गए होंगे, कोई भी बिजली से चलने वाली मशीन, औजार, उपकरण, हथियार डैमेज अगर है, प्रेस करंट क्यों मारती है? सीधी सी बात है यार, कहीं ना कहीं या तो अंदर उसमें डैमेज है या ऊपर वायर में है कहीं पे भी, ठीक है। अब वो बिजली की मोटर जो है, गांव में जो एक्सीडेंट हुए हैं बहुत सारे, मेरे ख्याल से एक आध होगा जो नहीं सुना होगा, गांव में किसी को सुबह मोटर चला रहा था वो चारा काटने के लिए या चाके चलने गया था, मोटर पे वहीं चिपक गया, मेरे मैंने तो कई सुने हैं। तो वो क्यों होता है, उसमें वो करंट आया है, क्यों आया है? क्योंकि वो इक्विपमेंट्स या वो टूल्स डैमेज था, इक्विपमेंट्स डैमेज था। अब टूल डैमेज की बात यह है, मैं पलाश लेके गया तार बदलने के लिए और पलाश के जो वो इंसुलेशन है वो कटा हुआ है, या तो एक तरफ से है ही नहीं, मैं ऐसे लेके निकल लिया, क्या होगा उससे? करंट तो लगेगा। या फिर प्लायर है, स्क्रू ड्राइवर है मेरा, और वो मेरे को खोलना है बटन, वहां से चलती लाइन में उसको खोलूंगा, वो प्रॉपर ओके है, ठीक है। आपने देखा है स्क्रू ड्राइवर में ये जो इतनी हत्थी होती है उसके आगे एक और उस लोहे की रॉड पे वो पीली लाइन और लंबी होती है ना, वो सेफ्टी के लिए ही होती होगी, ऐसा तो नहीं है कि सुंदर दिखाने के लिए कलरफुल वो है, तो वो है नहीं, कटी हुई है, निकली हुई है। वो क्यों होता है, जब कभी हम उसको ऐसे करते हैं ना, उंगली आगे चली जाती है, उस पर टच कर जाती है, वो थोड़ी पकड़ बनाने के लिए, अब वो है नहीं, कटा हुआ है, खराब हो गया है, और उस पर हमने टच कर दिया, क्या होगा? करंट लगेगा। ये तो टूल्स की बात है, इक्विपमेंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रेस में क्यों करंट लगता है, वो इक्विपमेंट है। अभी पन्ना, प्लास, स्क्रू ड्राइवर, पेचकस क्या है? वो टूल्स हैं। तो इनमें से कोई भी चीज़ डैमेज हो तो इलेक्ट्रिक पे काम करना हैजार्ड होता है, गलत होता है। तो ये 8 मेन
मुख्य, मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आ गई इसमें, बचा तो है नहीं कुछ। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैं अकेला कुछ करूँगा, हम लोग मिल के सोचेंगे एक एक के लिए। देखो वही है, मैं अकेला पढ़ाता रहूँगा, फ़ायदा कुछ नहीं है, आप सिर्फ सुनते रहोगे यहाँ से बाहर जाने के बाद वो। तो मिल के इन सभी के अभी यहीं पे हम लोग जो है क्लास में ही सॉल्यूशन निकालेंगे, सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं वो हम सोचेंगे मिलके। तो जो इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग है इसके लिए क्या होना चाहिए, अगर वो गलत तरीके की है ग्राउंडिंग, उसे देखो हमें पता है हैजर्ड क्या है, नुकसान क्या है, करंट लगेगा हमें, क्योंकि वो बहुत बढ़िया एक मशीन है किसी तरीके की, वो बिजली से उसके मोटर जो है उसमें मोटर कनेक्ट है और कई और उसके पार्ट्स कनेक्ट हैं और वो चलती है बिजली से। तो कभी भी देखना बड़ी मशीन का हमेशा बाहर वाली बॉडी से ही, एक लोहे का, स्टील का, किसी भी तरीके का तार जो है मोटा वाला, ऐसे वो नट के अंदर ही कस देते हैं, ऐसे बोल्ट होता है ना उसके अंदर ऐसे घुमा के और बोल्ट में ही उसको कस देते हैं, और फिर वो लोहे का तार या वो लोहे की पत्ती जो कनेक्ट है वो ऐसे धीरे धीरे जाती है और एक जगह बाहर जाके साइड में कहीं पे खड्डा खोदते हैं, खड्डे में इतना लंबा पाइप या मोटा सरिया कुछ रोड जमीन पे डालते हैं और उसके साथ उसको कनेक्ट करते हैं और उसमें पानी डालते रहते हैं, ऐसे होता है। शायद किसी को पता है, शायद किसी को नहीं भी पता है। हमारे समय में, पुराने समय में खेतों में ना वो खाली पावर लाइन आती थी, तीन अर्थ की नहीं होती थी पहले, तो हम क्या करते थे ना अर्थ बनाने के लिए वही सेम यही चीज करते थे। तो बल्ब में एक तो फेस लगा देते थे, दूसरा जो जमीन से ले गया है ना हम दूसरे में वो टांग देते थे, कोई कनेक्शन ही नहीं होता था दूसरा, सिर्फ एक फेस आता था मेन बिजली का, दूसरा जमीन से बना देते थे, बल्ब जलता था। एक्सपेरिमेंट करके देख लेना सेफली अगर कर पाओ तो, होता है। तो ये ग्राउंडिंग देखो इतनी जरूरी है हमारे लिए कि जब कभी अर्थ लीक हो जाएगा ना, करंट अगर लीक होगा ना, तो वो मशीन हो, वो बिजली का पैनल हो, बोर्ड हो, अगर उसकी बॉडी में या कोई बहुत बड़ा इक्विपमेंट्स है उसकी बॉडी में अर्थ लीक हो गया, करंट उसमें फैल गया है, तो अगर हम उसको डायरेक्ट जाके टच करेंगे ना तो बहुत हैवी शॉक लगेगा। लेकिन उसकी ग्राउंडिंग है ना, तो वो जितना लीक हुआ ना ग्राउंडिंग के जरिए जमीन में जा रहा है, वो अपने को नहीं नुकसान करेगा। हाँ, हालांकि उसको जब टच करेंगे तो थोड़ा सा महसूस होगा, कुछ है यार, बस इतना ही होगा। अगर वो ग्राउंडिंग नहीं किया ना तो कितना होगा समझ सकते हो। देखिए वो अलग चीज़ हो गया, वो इसमें अपन काउंट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिकल का अभी जो हम अपने आसपास काम करते हैं उसकी बात करेंगे। वो बिजली वाला जो है, जो आपकी इमरजेंसी प्लानिंग का चैप्टर होता था ना, उसमें था कि वो आसमानी जो बिजली गिरती है भाई उसके लिए अपन क्या करें। तो कोई भी बड़ी बिल्डिंग पे या लोहे का ऊंचा स्ट्रक्चर होता है उस पे हमेशा ऊपर हम एक जो है पीतल का या लोहे का किसी तरीके का त्रिशूल जैसा बनाते हैं वैसे तो, क्योंकि वो रिवाज सी त्रिशूल की है, जो गांव में आपके भट्ठे होते हैं ना उस पे देखना ऊपर ऐसे लगा होता है, तो उस पे से चौड़ी पत्ती होती है एक लोहे की, इतनी मोटी चौड़ी, और ऊपर से कनेक्ट होकर वो सीधी ऐसे गुट्टी ठोक ठोक के नीचे जमीन तक लागे, जमीन के अंदर डालते हैं, वो तो होता है तड़ित चालक, उसका हिंदी में यही नाम है। इसमें वो चीज अपन इन्वॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग अगर है तो इस हैजर्ड से बचने के लिए क्या कर सकते हैं बताओ, उसको प्रॉपर कर सकते हैं, सीधी एक ही बात है। प्रॉपर क्या करना है, चेक करेंगे खड्डे में पानी नहीं डलता है, पानी डालेंगे, ऐसा ना हो गया वो तार कहीं से बीच में से हमें पता ही नहीं है, थोड़ी ज्यादा दूर गया हुआ है ना मशीन के पास से, तो कहीं कटा हो बीच में, या उसके ऊपर बहुत सारे सरिये डाल दिए हों तो अर्थिंग किस काम के, तो सरिये में फैल जाएगी जाके, तो वो गई हो एकदम सेफ एरिया से गई हो, यानी कि इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग को क्या करना है, प्रॉपर करना है। तो सीधा सा प्रिकॉशन है, ज्यादा लंबा क्यों खींचेंगे हम क्लास को। डैमेज इंसुलेशन है, इसका क्या सोल्यूशन है, जिधर से इंसुलेशन डैमेज हो गया उधर से टेप वेप लगा के कुछ भी करके प्रॉपर उसको इंसुलेट कर लेंगे, ताकि किसी को वहां से करंट ना लगे, ठीक है। एक्सपोज इलेक्ट्रिकल पार्ट से क्या होगा, बिजली के जो खुले हुए उन पे कवर लगाएंगे, क्या करेंगे प्रॉपर, वो भी ऐसा नहीं कि जुगाड़ लगा दिया और वो थोड़ी देर में हिल के गिर गया, क्या पता रात को कोई काम करने आएगा उसका हाथ सीधा लग जाएगा उसमें जाके, पर्टिकुलर बिल्कुल काम करेंगे उसका, ठीक है। ओवरलोड सर्किट, किसी भी सर्किट पे ओवरलोड है उस काम को वहीं बंद कराएंगे और उसके लोड के अकॉर्डिंग सर्किट बनवाएंगे, या उसके लोड के अकॉर्डिंग ही हमारे जो स्विच या कनेक्शंस होंगे वो सारे कराएंगे, नहीं तो काम नहीं करने देंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। वायरिंग अगर खराब है तो, पतली वायरिंग है, ज्यादा लोड है, वायरिंग चेंज कराओ भाई, ये नहीं चलेगी, ये तो हीट हो रही है, गर्म हो रही है, बंद करो,
दूसरी वायरिंग लगाओ, ये कंपनी की नहीं है, आईएसआई मार्क की चाहिए मेरे को, कहाँ से लोकल उठा के ले आए, बंद करो इसको, दोबारा चेंज कराओ, वही कर सकते हैं ना। आगे वेट कंडीशन, इसके लिए तो सभी जानते हो, पैरों में जूता होना चाहिए, वो गीला नहीं होना चाहिए, हर बिजली के बोर्ड के पैनल के इक्विपमेंट्स पे वहाँ पे नीचे रबड़ का मैट बिछा होना चाहिए, ताकि अगर पैर भी गीले हो कुछ भी हो तो ज़मीन से मेरा कनेक्शन ना हो। अगर जमीन से कनेक्शन हो गया तो ये ग्राउंडिंग थे ना, ये मैं बन जाऊंगा, है ना, वो करंट मेरे अंदर से पास होके चला जाएगा और नुकसान कर देगा, ठीक है। सब कुछ सूखा होना चाहिए, ऐसी जहां गीला हमेशा रहता है वहां बिजली का जुगाड़ बनाओ ही मत, वहां कोई पैनल लगाओ मत, वहां बिजली की चीज लगाओ मत, जब तक कोई इलाज ना हो जाए उसका। ओवरहेड पाइपलाइन पावर लाइन पे काम करते टाइम ध्यान रखना है हमेशा, पहली चीज़ तो उसको बचा के काम करना है, दूसरी चीज़ मेरी क्रेन है या मेरे हाथ में कोई सरिये हैं या इक्विपमेंट या पाइप है मेरे को वहाँ लगाने हैं, कुछ भी करना है, पावर लाइन गई है तो या तो उसको पावर को बंद करा के पीछे से परमानेंट, तब वहाँ पे हम काम कर सकते हैं, या फिर उसको बचा के काम करेंगे, या फिर क्या करेंगे हम उसकी ऊंचाई देख लेंगे, हमारी क्रेन कितनी ऊंची वहाँ पे उठनी है पहले वो चेक कर लेंगे, सेफ्टी के सारे प्रिकॉशन लगाने के बाद काम करेंगे, ऐसी किसी भी पावर लाइन जो ऊपर गई है उसके पास काम करना होगा। तो डन, डैमेज टूल इक्विपमेंट्स, इसके बारे में तो प्रिकॉशन तुम सभी जानते हो क्या करना है, अगर किसी मशीन में करंट आ रहा है उसका जो है फॉल्ट निकलवा दो, किसी भी चीज में, चाहे घर पे हो चाहे मेरी साइट पे हो, घर में भी तो हमें नुकसान होगा, साइट पे भी हमें किसी को होगा, हमारे जैसे इंसान होगा कोई भी जिसको लगेगी, अब मजदूर हो चाहे इंजीनियर हो चाहे मैनेजर हो, है तो इंसान। और टूल्स अगर खराब है तो छेड़ो ही मत, प्लायर कटा हुआ है दिख रहा है मेरे को, इतनी अकल अगर नहीं है कि उसको लेके चले जाएं तो फिर खुद हम तो वो आ बैल मुझे मार वाली बात चलेगी। स्क्रू ड्राइवर दिख रहा है मेरे को खराब है डैमेज है फिर भी लेके गए, गलत है। हथौड़ी, कई बार साइट पे काम करते टाइम हथौड़ी क्या करते हैं वो लोग ना, वो हथा वथा टूट जाता ना सीधा, लोग पाइप वेल्ड कर लेते हैं जुगाड़ू फैब्रिकेशन में अपना, है ना, अब चलने दे काम ही तो करना है, उसको लेके किसी ऐसी मशीन पे चढ़ गए जो बिजली से चलती है ना, तो वो इम्प्रॉपर हुआ ना, वो भी गलत हुआ। तो अगर वो आपका है भी स्टील का कोई बात नहीं है, लेकिन उस पे भी इंसुलेशन होनी चाहिए, प्लास्टिक का रबड़ का कवर चढ़ा होना चाहिए आपका, ठीक है कर लो काम कोई बात नहीं है, बट डैमेज नहीं होना चाहिए वो, ठीक है, क्लियर। तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिकल के लिए हमें ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, तीन क्लास हो गई हैं छोटी छोटी, तीनों कंप्लीट हो गया है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, ये आप फायर में काम करो चाहे सेफ्टी में करो, हमें सब में काम आएगा। फायर में क्यों काम आएगा, फायर में भी तो कनेक्शन करने होते हैं ना हमें बहुत सारे बिजली के, ठीक है, ओके, क्लास एंड।